मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति, अग्निपथ योजना सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जसपुर रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर कहा, भाजपा के लोग विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये रौंदकर कुचलकर समाप्त कर देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भाजपा को इसका खामियाजना भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ होने वाली है, इसीलिए ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर यदि टूट के गए हैं तो इतने वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से आसाम जाने की क्या जरूरत है, जब यहीं हैं यहीं रहते, कार्यकर्ताओं का सामना करते, जनता का भी सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़फोड़ कर रहे हैं।